Have a numerical with us. In an experiment, 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. Experiment number 1 का status लिखते हैं उनका. Copper oxide. देखो, ये reaction आप लोगों ने पढ़ी नहीं. I know I'm writing in symbolic representation class. और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा क्लास. कॉपर ऑक्साइड हमें मिला है 1.288 ग्राम, राइट? और 1.288 ग्राम हमें कॉपर ऑक्साइड मिला है और 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर मिला है और ऑक्सीजन का मास क्लास अननोन है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं वेरीफाई करना हमें, ठीक है? पर हाँ, इतना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप ऑक्सीजन के मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट यहाँ पर 1.03 ग्राम प्लस x इज इक्वल टू 1.288 है, तो x आ जाएगा, ये माइनस कर लेना क्लास, 1.288 में से 1.030 को सब्ट्रैक्ट कर लेना. तो हमें इतना पता लग गया क्लास कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास है वो है 0.258 ग्राम, राइट? अब हमें करना क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन के मास की रेशियो निकालनी है, राइट? तो वो हम निकालेंगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन. कॉपर का मास है 0.258 और ऑक्सीजन का मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन पहले लिखना है और कॉपर बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेशियो सेम ही आएगी. बस दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी ये ध्यान रखना कि अगर मास ऑफ ऑक्सीजन आप ऊपर लिख रहे हो तो मास ऑफ कॉपर नीचे. ऑक्सीजन का मास है 0.258 और कॉपर का मास है 1.03 ग्राम. क्लास, ये 0.25 वन था और ये 4 था, 1/4 मतलब रेशियो आ गए 1/4. तो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने किया उसमें हमारी, मैं फिर से बता रहा हूँ, बुक में क्लास कॉपर और ऑक्सीजन के मास की रेशियो, तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन और कॉपर की ये है, तो मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 4:1 हो जाएगी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉपर ऊपर लिख रहे हो या ऑक्सीजन ऊपर लिख रहे हो. बस एक बात का ध्यान रखो, अगर पहले एक्सपेरिमेंट में आपने कॉपर और ऑक्सीजन के मास की रेशियो निकाली है तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर और ऑक्सीजन के मास की ही रेशियो निकालना, दैट्स इट. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिए क्लास, सेम इक्वेशन में लिख देता हूं, जरा ध्यान देना, 3.672 ग्राम ऑन रिडक्शन पहले बेटा इसका निकाल लो, ऑक्सीजन का मास निकाल लो, ठीक है? रिड्यूस कराया, रिएक्शन जस्ट एक सिग्निफिकेंस है जो मैंने लिख रखी है, ठीक है? वो कुछ नहीं, सबसे पहले आप ऑक्सीजन का मास बताइए, मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब वाई हमें बताना है क्लास, यू नो 2.938 प्लस वाई इज इक्वल टू 3.672. फोकस ऑन दिस, प्लीज फोकस ऑन. If you subtract 3.672 में से आप 2.938 माइनस करेंगे तो आ रहा है 0.734. ये अंदाजे से कट किया था मैंने, ये मेथड सब आप 11 में सीख जाएंगे. ये देखो, मुझे इतना पता 0.25 इंटू 4 1 होता है, 0.25 की 4 से, तो अंदाजे से कट किया था ये. तो बेटा यहाँ पर 0.34 ग्राम आ गया. अब फिर वैसे डायरेक्ट रेशो निकालते हैं कॉपर और ऑक्सीजन. कॉपर यहाँ पर 2.938 है और ऑक्सीजन का मास आया 0.74. अब आपको पता 0.784 2.8 होता है, तो अंदाजे से कट कर रहे हैं, ठीक है? एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, पर अगर ये रेशियो देखो दोनों में बराबर आ गई. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो जो था 4:1 आया था और एक्सपेरिमेंट नंबर
और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आया था। अगर ये रेशियो बराबर आ जाती है क्लास, तो इसका मतलब है हमारा जो ये लॉ है वेरीफाई हो गया, राइट। क्लास 9th में साथ साथ ट्रिक्स भेज रहा हूँ आपको। आप लोग भी ऐसे वर्डिंग लिख सके। ओके, मैंने पिक्स भेज दी, आप देख सकते हो। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस। प्लीज बराबर नोट कर लीजिए। ओके, अगला जो न्यूमेरिकल है, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2, इट सेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट वी विल डिस्कस।